तो एबीपी लाइव की टीम इस समय सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में है और हिमाचल ना पहाड़ी इलाका है, मैदान बहुत कम दिखते हैं मुझे, बहुत देर बाद जो है यहाँ पर ये मैदान दिखा है। तो हिमाचल में खेल के प्रति जो युवाओं का आकर्षण है वो कितना है और जो युवा खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए कितने इंतजाम हैं, आइए देखिए बच्चियाँ क्रिकेट खेल रही हैं उनसे बात करते हैं। इतनी ज्यादा नहीं है पर कॉलेज में अच्छी है ना, बस ग्राउंड की कमी है। ग्राउंड की कमी ये यही है, एक पटेल ही है और ऑल ओवर गेम यहीं पे खेलनी पड़ती है। क्रिकेट के लिए थोड़ी कम सुविधा ना और तो क्या है, मतलब काफी सारे। हाँ जी थोड़ी बहुत सीख लेते हैं, सीख रहे अभी। कौन है आपका इंडियन क्रिकेट टीम में आपका आदर्श, कौन है? बुमराह। बुमराह आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? सर मैं खुद ही हूँ। खुद का फेवरेट हो? हाँ जी। आपका नाम क्या है? शिवानी है। शिवानी, अच्छा। आप कौन सा शॉट अच्छा लगता है, हेलीकॉप्टर शॉट या फिर कौन सा? सभी है। सभी अच्छा, इतने सारे प्लेयर्स हैं, कोई आपका फेवरेट है, मतलब पसंदीदा है कोई? नहीं नहीं, तो अच्छा लगता है, मतलब यहाँ ठीक खेल लेता है क्रिकेट, फेवरेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो क्रिकेट ठीक खेल लेता है। विराट कोहली। विराट कोहली, हमने इनसे बात की, इनकी एक बड़ी समस्या है, इनके पास ग्राउंड की कमी है। खेल के प्रति सर यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा है खेल का, मतलब एक्टिविटीज। ग्राउंड कितने हैं? ग्राउंड सर यही है पटेल में, यहीं पे होती है सर। सरकार को इस बात का ध्यान, मतलब ग्राउंड कुछ और होने चाहिए। देख सकते हैं आप बिल्कुल सावधान मुद्रा में, क्या बनना चाहते हैं आप लोग आगे? सोल्जर। सोल्जर। आप? सोल्जर। आप? इंडियन आर्मी। आप? ऑफिसर। चलो बोल ही लेते हैं, भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, आउट द जोस, आउट द जोस, हाय सर। अच्छा जो हिमाचल की सरकार है उससे आप लोग क्या चाहते हैं, जो सरकार अभी है जो आगे बनेगी? हिमाचल की सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि पढ़ाई को और अच्छे तरीके से करवाया जाए, अच्छी सुविधा दी जाए और ज़्यादातर आजकल फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो बीमारी से जूझ रहे हैं। खेल वेल के तो सर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ग्राउंड भी हम जो है लीज पे लिया हुआ है, हमारा कॉलेज का ग्राउंड नहीं है, मतलब हमें परमिशन लीज पे हुआ है भाई, लीज पे लिया है ना। और जैसे हमारे कॉलेज में हो तो रहा है काम बट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। ये इंडोर स्टेडियम है, ये भी दिखा दीजिए, पता चल जाए कि हाँ भाई सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में इंडोर स्टेडियम भी है। थोड़ी समस्या यह है कि सरकार को थोड़ा और ध्यान देना होगा फिजिकल एक्टिविटीज पर। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को जो भी युवा, जो भी सरकार के कर्मचारी या फिर जो भी सरकारी आदमी देखे तो इसके प्रति वो जरूर ध्यान देगा। बाकी एबीपी लाइव की टीम चुनावी कवरेज पे है और आपको हम हिमाचल की तस्वीर दिखा रहे हैं हर एंगल से, सिर्फ एबीपी लाइव पर। इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे एबीपी लाइव। और हाँ, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके विचार ना हमारे लिए काफ़ी मायने रखते हैं।